15वें शहीदी दिवस कार्यक्रम में सीएम नायब सैनी हुए शामिल। संतों महापुरुषों के दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ रही सरकार। गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का हो रहा है विस्तार। संत महापुरुष सम्मान और विचार प्रचार प्रसार योजना शुरू। लोगों को मिल रहा है पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का लाभ। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने अम्बाला में श्री गुरु रविदास धर्म स्थान सरसगढ़ के 21वें स्थापना दिवस और अमर शहीद ब्रह्मलीन श्री श्री 108 रामानंद जी महाराज के 15वें शहीदी दिवस पर हुए धार्मिक सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार संतों महापुरुषों के दिखाए मार्ग पर चलते हुए निरंतर आगे बढ़ रही है, साथ ही गरीबों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। सरकार ने हरियाणा में साधु संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना शुरू की है, जिसमें संतों महापुरुषों की जयंतियां और शताब्दियां सरकारी तर्ज पर मनाने की पहल की है। इसी कड़ी में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती, संत कबीरदास जयंती, भगवान वाल्मीकि जयंती आदि जयंतियां और शताब्दियां राज्य स्तर पर मनाई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने एकता मानवता और भाईचारे का जो संदेश दिया था वो आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि हमें संतों महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलते हुए सदैव काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का स्मारक कुरुक्षेत्र में बनाया जा रहा है। सम्मान एवं प्रसार योजना के माध्यम से संतों महापुरुषों के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। मुझे ये खुशी है, चाहे गुरु रविदास जी महाराज की जयंती हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती हो, चाहे गुरु कबीर दास जी महाराज की जयंती हो और चाहे भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जयंती हो, हमारी सरकार ने राज्य स्तर के ऊपर मनाने का ये कार्य किया है। मुझे ये भी खुशी है कि गुरु रविदास जी महाराज की शिक्षाओं को और गति से प्रचारित और प्रसारित करने के लिए कुरुक्षेत्र में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के स्मारक का निर्माण भी वहां पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 फरवरी को संकल्प लिया था कि जिस परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का लाभ मिलेगा। हरियाणा में इस योजना के तहत करीब 2.50 लाख आवेदन आए। उन्होंने कहा कि इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार 1.10 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है। उन्होंने कहा कि हैप्पी कार्ड योजना से सरकार ने पात्र व्यक्ति को एक साल में 1000 किलोमीटर निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा दी है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में करीब 7652 लोगों को 100-100 गज के प्लॉट के आवंटन पत्र के साथ कब्जा दिलवाने का काम किया गया है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 14 शहरों में लगभग 15,210 पात्र व्यक्तियों को 30-30 वर्ग गज के प्लॉट दिए गए हैं। गरीब व्यक्ति है जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे घरों की छतों के ऊपर प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से एक सोलर पैनल लगाने का काम हमारी सरकार करेगी। पिछले दिनों अंबाला में मैंने उसका शुभारंभ किया, लगभग 2.5 लाख के करीब में ये एप्लीकेशनें उसमें रजिस्टर्ड हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमर शहीद ब्रह्मलीन श्री श्री 108 रामानंद जी महाराज ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की शिक्षाओं को अंतिम सांस तक जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। संत रामानंद जी को गुरु ज्ञान सतगुरु हरिदास जी से प्राप्त हुआ। उन्होंने आपसी भाईचारे की भावना को मजबूत किया और उन्होंने डेरा सचखंड बल्ला से गुरुओं के निर्देश पर विदेशों में जाकर के गुरु संत रविदास जी महाराज के मिशन का प्रचार प्रसार करने का काम भी उन्होंने किया है। मुख्यमंत्री ने धर्म स्थान सरसगढ़ को 21 लाख रुपए और परिवहन राज्य मंत्री ने 11 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। इस मौके पर महाराजगंज निरंजन दास ने मुख्यमंत्री और अन्य विशिष्ट अतिथियों को सौल संत गुरु रविदास जी का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।